नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीशा एंड पूजा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग DIY करेंगे। आज देख रहे हो आपकी बिफोर और आफ्टर के फ़ोटो में कि मेरे बच्चे ने घर भर में कैसे पसारा फैला के रखा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों एक प्लास्टिक के कैरेट को कस्टमाइज़ करके उसको थ्री इन वन में कन्वर्ट किया जाए। तो चलो DIY स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो हम लोगों ने इधर दो प्लास्टिक के कैरेट लिए। अगर आपको चाहिए तो आप सिंगल कैरेट का भी बना सकते हो, लेकिन हम लोगों का साइड में सोफ़ा है जिधर हम लोग ये स्टोरेज बॉक्स रखने वाले। तो इसके लिए हम लोग वो साइज़ का बनाने के लिए हम लोग दो कैरेट ले रहे हैं, और उसको फिर एक कैरेट को हम लोग कटिंग कर देंगे। लेकिन अगर दो कैरेट ले रहे हो तो सेम साइज़ का लेना, ताकि एक के ऊपर एक बैठे और ग्रिप भी पकड़ ले अच्छी तरह से। तो आप अभी देख रहे हो एक के ऊपर एक कैरेट रखने के बाद कुछ ज़्यादा ही हाइट लग रही है, तो हम लोगों को इतनी हाइट नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग सोफ़े के हाइट के हिसाब से हम लोग कटिंग कर रहे थे। ये परफेक्ट साइज़ है। अभी हम लोग इनसाइड का कटिंग करेंगे ताकि स्टोरेज बॉक्स एक ही हो जाए। ये देखो अभी कटिंग करने के बाद दो कैरेट का एक ही स्टोरेज बॉक्स हो गया है। एक कटिंग होने के बाद अभी हम लोग कॉर्नर्स चिपका देंगे। इसके लिए आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो या हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा कैरेट चिपकने के बाद कुछ ज़्यादा ही मज़बूत हो गया है। ये आम की पेटी है जो कि अभी खाली है, कुछ काम की है नहीं, तो हम लोग इसको ही कटिंग करके इसका बैठने के लिए फली बनाएंगे। ये हमारे कैरेट के साइज़ है, और ये हमारी लकड़ी है जो कि कैरेट के साइज से थोड़ी बड़ी है। इसके लिए हम लोग हैक्सो ब्लेड से कट करेंगे। अभी हम लोगों की लकड़ी कटिंग करके रेडी है। चारों साइड एकदम परफेक्ट लग रही है, लेकिन ये जो लकड़ी है वो अलग अलग है, तो इनको एक ही फली में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये छोटा वाला लकड़ी का यूज़ करेंगे और खीले के मदद से इसको जॉइंट करेंगे। अभी हम लोगों ने ये तीनों भी पट्टी अच्छे से खीले से ठोक दिए, और ये अभी मज़बूत भी हो गए हैं। अभी हम लोगों ने ये जो पट्टी दो साइड का देख रहे हो आप, ऐसे ठोके कि जो कॉर्नर से उसमें बैठ जाए और अच्छे से उसको ग्रिप मिल जाए, ताकि वो ये हिले ना इधर ना उधर। हमारे पास एक सरमाए का ऐसे पड़ा हुआ था, तो हम लोग वही सरमाए का यूज़ करेंगे। इसको हम लोग फली के साइज़ का ही कटिंग करके ले लेंगे और खिले के सहायता से इसको स्टिक करेंगे। सरमाए का लगाने के बाद देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो मेरे साथ बैठने के बाद आपको दिख ही रहा है सिटिंग कितना मज़बूत है। इसको हम लोगों को स्टडी टेबल बनाना है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर ABCD ड्रॉ करेंगे, प्लस नंबरिंग भी ऐड करेंगे। हम लोग कैरेट को कलर कर रहे ताकि लुक वाइज अच्छा दिखे। यहाँ हम लोग सीट बनाने के लिए फोम का यूज़ कर रहे हैं, और फोम को सीट के साइज़ का कटिंग करके उसको फेविकोल से चिपका देंगे। अभी हमारा सीट देख रहे हो आप रेडी है, इसको अभी कवर करेंगे। इसको हम लोग पहले तो कॉटन के प्लेन कपड़े से कवर करेंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग फर का कपड़ा यूज़ करेंगे। ये फर का कपड़ा मार्केट में अवेलेबल है। बैठने की सीट अभी रेडी हो गई है।
स्टोरेज बॉक्स के डेकोरेशन के लिए हम लोग अभी इधर बो लगाएंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 कैरेट को ज्वाइन किया है वो जो उसका बीच का गैपिंग भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो गैपिंग भी ना दिखे और अच्छा भी दिखे इसके लिए उसकी जगह पे हम लोग सेंटर में ये बो लगाएंगे। ग्रीन कलर, गुड गर्ल। ऋषा कैसे स्टडी टेबल? वाओ वाओ। हेलो कर, हेलो हेलो। इते इते बोल बोल ऋषा, कलर करूं क्या? ते तो स्टडी करो, नहीं तो अभी आपने स्टडी टेबल तो देखा, अभी हम लोग प्रिशा के लिए खिलौने के लिए जो बना है स्टोरेज बॉक्स, अभी हम लोग कैसे यूज करते हो आप देखोगे। घर में सबसे बड़ा काम रहता है हम लोगों का ये खिलौने। अभी ये भरने के लिए मदद कर रही है प्रिशा, करेगी क्या प्रिशा? प्रिशा को अच्छा लग रहा है स्टोरेज बॉक्स में भरने के लिए। थक गई अभी प्रिशा। प्रिशा का स्टोरेज बॉक्स आप देख ही रहे, फुलफिल हुआ हो गया है अभी। अभी उसका कवर लगा रहे उसके पापा। स्टोरेज बॉक्स रखने के पहले प्रिशा अपनी गाड़ी पार्किंग को लगा रही है। गाड़ी हो गई है पार्क, अभी पापा की हेल्प कर रही है। देखो कितना काम करी मेरी बच्ची। ये देखो सो भी सकते हो आप उधर। सोने के लिए भी अच्छा लग रहा है ना प्रिशा? हाँ, वाव वे वाव। चैनल को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। बाय।